देखिए, मैं तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का और माननीय अमित शाह जी का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस योग्य समझा कि राष्ट्रीय टीम में एक दायित्व मिला है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जितनी मेहनत से और जितने लगन से मैं अपने दिए हुए कामों को कर पाऊँ, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 में महज कुछ ही महीने बचे हुए हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें आपको कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई केंद्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। झारखंड वाले 14 सीटों में 2 लोगों को जगह मिली है। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 44 लोकसभा सीट है जिसमें सिर्फ 1 लोगों को जगह मिली है जो कि ऋतुराज सिन्हा को मिली है। जी हम बात कर रहे हैं ऋतुराज सिन्हा की, जिन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, जिसके बाद वो दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया है ऋतुराज सिन्हा का। वही ऋतुराज सिन्हा के नारे भी लगाए जा रहे हैं पटना एयरपोर्ट पर। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। मैं मानता हूँ कि ये मेरा नहीं, बिहार का जो है, बिहार का जो महत्व है उसको कंफर्म किया गया है। मेरा प्रयास रहा है पिछले 2 साल में जब मैं पार्टी का पदाधिकारी रहा हूँ कि मेहनत से काम करूँ, और मुझे पूरा इस बात का एहसास है अब पूरा जिम्मेदारी मिलने पे डबल मेहनत से काम करना पड़ेगा। देखिए, मैं तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का और माननीय अमित शाह जी का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस योग्य समझा कि राष्ट्रीय टीम में एक दायित्व मिला है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जितनी मेहनत से और जितने लगन से मैं अपने दिए हुए कामों को कर पाऊँ, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन बनता है उस संगठन में, एक मिनट सर सर सर, देखिए मेरा मानना है कि संगठन की रचना जो है सभी विषयों को ध्यान में रख के की जाती है। मेरा सौभाग्य है कि बिहार से मुझे इस बार अवसर मिला है, मुझसे पहले कई लोगों को अवसर मिल चुका है, मेरे बाद भी कई योग्य लोग हैं जिनको अवसर मिलता रहेगा। मैं बिहार पार्टी की ओर से माननीय नड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुन रहे थे आप राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा को, पटना पहुंचे हैं, इस क्रम में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान देखा आपने किस तरीके से ऋतुराज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया, जेपी नड्डा को धन्यवाद देते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने कहा कि अब बिहार का जो भी मामला होगा वो पूरे जोर शोर से उस मामले को उठाएंगे। इसी के साथ साथ जो आप तस्वीर देख रहे थे वो पटना एयरपोर्ट की तस्वीर थी, जहां पर ऋतुराज सिन्हा का बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य तरीके से स्वागत किया गया, वहीं खूब नारे भी लगाए गए। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।